आजा। शशि ये भइल का बा? कुछ नहीं क्यों सम्राट नाराज बाबाहू से एक खातिर कमरा से निकाल दे ले बा। अभी सब का नया तमाशा शुरू कर देना सम्राट, अब बहू के साथ भी सब कुछ हम देखता नहीं। अरे ना 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 ना, जा इधर रह द, सवेरे तक अपने आप ही दिमाग ठंडा हो जाए। हाँ तो रात भर का बहू बाहर रही, अब का करी? अरे सोई कहाँ? अब गेस्ट रूम की सफाई करके पड़ी। रुका हम कर दे पानी है। ना माँ जी, गेस्ट रूम में गेस्ट रह ले और हम ही घर के सदस्य बने। हम न सोता बुआ। हाँ वो तो बा ऐसन कर बहू, तू ना हमरा कमरा में सो जा, हम तो अही कहीं सो जाए। काहे जी सही करल बानी ना हम? ना माँ जी, हम यहाँ सो जाए, आप लोग आराम से अंदर सोई। एगो काम कर बहू, तू शशि के साथ अंदर जाके सुत जा, हम वेजे पे आराम कर ले, जा। ना पापा, कैसन बात कर रहल बानी आप? आप आराम से अंदर सुई, हमरा के कौनो तकलीफ ना बा, हम यहाँ पे सो जाए। चल बहू, तू इतना जीत करल बात तो ठीक बा, तू आराम कर। हाँ चल जी, बहू की सुविधा जा। आई जा सो जा। अब तो कितना भी संभल के चल लो उर्मी, गिरल तोहर तैबा। हम तोरा खातिर गड्ढा भी खोदब और मरहम भी लगाई, लेकिन अपना बेटा के तोरा चंगुल में फंसे ना दे। हाँ राजकुमारी की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है बा। वो बिल्कुल वैसन पति बनी जैसन हम सोचत करत रहने। एक बात कहीं, तू बहुत नसीब वाली बिया जे तोरा के सम्राट जी जैसन पति मिल रहल बा। बता देत बानी दीदी, हमरा खातिर भी ऐसे नी ससुराल ढूंढिया जहाँ पे हमरा के भी राजकुमारी की तरह रखे। नहाए खातिर दो छूत भी भेजिए। अब सब कुछ हमार उर्मी ही करी, आपके दामाद भी कुछ करी है? अरे करिए ना, वो भी करिए, काहे नहीं करिए। हमनी के सारा सपना हमनी जे देख ले बानी तो जरूर पूरा। का कॉन्फिडेंस बा बाना, सारा सपना पूरा करिए अभी से। इतना सपना मत देखल करो उर्मी बेटा, ये टूटे लेना तो बहुत तकलीफ होके ले, और ये जरूरी तो नहीं खेनी कि हमेशा मर्द हुए करे जो औरत चाहत बा।
एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? दरवाजा खुला देखे घुस गए नहीं आप? मना कर लेने ना आपके अंदर आके। घर बेशक आपके होगी, लेकिन ये कमरा हमार भी बा। कुछ भी याद ना रहेला आपके, सब हमरा के याद दिलावे के पड़ेला। दवाई काहे ना लीले ईली, और नाश्ता थोड़ी देर बात करी है, कम से कम आधा घंटा बाद। हाँ सुनी, ये वक्त ना सम्राट से बात करल ठीक ना बा। अपन व्यवहार ऐसे रखे जैसे कुछ भइल ही ना बा, भूल जाए जे कल भेल बा, वरना कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि बात बढ़ जाए। का बात बा, वेरी गुड। पालना वाला आ गेल हमार छोटी मैडम खातिर। पालना आ गेल आप खातिर? ई पालना हमार गुड़िया रानी खातिर बा, सुंदर बाना देवर जी। वैसे हम सोचत रहली ई पालना अगर थोड़ा और बड़ा होखत ना तो हम माँ बेटी एही में झूलत। वैसे इतना छोट भी ना बा, यही पर चढ़ जाएं आप। दिवाकर भैया बना ना आपकी झुलाए खातिर। हटा, आप हर दम मजाक करत रहिला। हम तो हर चाचू बानी, हमरा के तो पहचाना। चाचू बोला, चाचू चाचू। मंदिरा, ये मंदिरा का बा, पालना वाले कंपनी का नाम बा। इस सुंदर सा नाम कौनो कंपनी के नहीं के, हमार बिटिया रानी के बा। अच्छा बा ना? अच्छा बा नाम? आप बच्चे के नाम तक रख देनी और हमरा के खबर भी ना। चला देख रहा बानी हम, आजकल ये घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा बा जेकर खबर हमरा तक ना पहुंचेला। खर जो भी बा नाम क्या रख ले बा एकर, हाँ? अपने यहाँ तक बुआ ही रखेली, जहाँ तक हमरा पता बा पालना वाला बुआ ही लावेली। हाँ बुआ ही तो रख ले बानी, और ये पालना भी बुआ ही लेके आई भी। बुआ, कहाँ कब हम घरवालन के कहाँ से आई ले पालना? कह दिया कल रिश्ता के बुआ भेज ले बिया। हाँ सही कह रहल बिया ही, बुआ ही ता लेल रहे पालना और नाम भी बुआ ही रख ले रहे हैं। आ,
अरे कल रश्मि आयल रहे ना, बाकी के लोग वे लायल रहे पाला। और नाम भी वही रख ले रहे मुन्नी रानी के, मंदिरा का मंदिरा। हाँ माजी, हम भी तो यही कहत रहली रश्मि। देखी देवर जी, रश्मि भले मम्मेरी बुआ बा, पर बुआ तो बाना। और अच्छा भाई, ना तो हमार गुड़िया रानी के खातिर पालना भी नहीं खियावत। जब बड़ा होकला पे हमरा से पूछत कि मम्मी हमरा खातिर पालना काहे ना आए, तो हम कहा जवाब देती देवर जी, बोला कितना प्यार से पालना लेके आए रहे ना रश्मि। अरे अब यही खातिर ताए रहे रश्मि और बाकी के लोगों दिन। हाँ यही खातिर। तू तो नीचे भी ना उतरला। हाँ ये बुआ के नाम पे इतना टेंशन काहे आ गया सबके चेहरा पे, और सम्राट जी के गुस्सा, और फिर रश्मि भाभी कब पालना दे दिली। देवे चाहत रहली हमार छोटकी। कैसे बिया? मस्त, आप कैसे मानी? बिल्कुल ठीक। त्रिशा दादी नमस्ते। नमस्ते मासी। खुश रहा बुआ। नमस्ते भाभी। कब आइलू तू त्रिशा? बस अभी आपके सामने ही आई बानी। एक पल के खातिर तक चकरा गल रानी हम कि तू कहां से प्रकट हो गई लू। बतालू काहे ना कि तू आ रहल बिया? मौसी आवे वाली रही ई तो पता रहे, लेकिन कब आवे वाले बानी ई नहीं के बता रहल। और अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती आपके? आप चक्कर में कैसे आई थी? हां तोरा मौसी के चक्कर में डाल के उमरा नहीं खेपा लेकी। लड़का का मर गए बस संसार में। हम का बुआ आधे ही शुरू हो गई ली। और का करी भाई, और ये अच्छा खेल मिल गए बा तू आज कल के बच्चन के। अरे सरप्राइज के नाम पे दंग कर देला। हाँ लेकिन बुआ यही के तो मजा बा दंग चेहरा देख के। आप सबके चेहरा देखी बड़ा मजा आ रहा बा हम की। अरे लड़की ऐसे में तो प्राण हलक में अटक जाला, सांस के दरवाजा बंद हो जाला। केहू कमजोर दिल वाला के साथ ऐसन मजाक मत करी है पगली। अगर ऐसन हो गई ना दादी तब फूक मार के सांस के दरवाजा खोल दे। अच्छा दीदी ये बतावा आपकी पुलिस में सिलेक्शन हो गई? हो गई, और नेक्स्ट वीक से ट्रेनिंग भी शुरू हो रहल बा हमार। वाओ अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बा। मुबारक हो के बेटा। थैंक यू बुआ। बहुत बहुत बधाई हो के बेटा। थैंक यू मासी। तो एकत मतलब आप भेजे रहिए हमनी के साथ? ये ना रहब, हॉस्टल में ही रह के पड़ी ट्रेनिंग के वजह से। अरे ऐसे अरे, अरे 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 बस सारा बात का एक खड़ा खड़ा करबू, कुछ बात के खातिर भी छोड़ दो। तू जा बेटा, तू जल्दी से हाथ में धो ले, हम तोरा खातिर नाश्ता लगावत। हाँ मौसी घर के नाश्ता।
चल गई है हम हॉस्टल के खाना खा खा के। बहू हम तोरा के फंदा डाल के दे रहल बानी, सीधा उल्टा ही मत बुनिया, डिजाइन डाले सीखा अच्छा लगी। अरे माँ जी आपके होकते हम अपन दिमाग के काहे टेंशन दी उल्टा सीधा के, बोल लेती कई ही काम बा। और वैसे भी सारा काम अगर हम ही सीख जाए तो आपके खातिर तक कोनो काम बची ही ना, तो आप का करी है अब बैठे बैठे तो मक्खी ना मरबू, तो आपकी खातिर भी तो कोनो काम चाहिए ना। अच्छा यही खातिर स्वेटर में डिजाइन आप ही डाल दिया। बस सोचे लागल भैया तू अपना सास के बारे में। माँ जी खाना तैयार बा, जब आप कहिए तब लगा दे। ठीक बा बहु, अब थोड़ा दम तो ले ला, अब बैठा हमने के साथ। जी माँ जी आपसे एगो बात पूछी, आप बुरा तो ना मानिए ना। आप पूछ। माँ जी रश्मि भाभी तो अपना साथ कोनो पार्लर लाई ली ना रहली। फिर आप सम्राट जी से झूठ काहे बोलनी क्यों पार्लर रश्मि भाभी लेके आए रहनी। अब बताई माँ जी बताई ना, हम तो आपसे पहले ही कहत रहनी कि ये सब में हमरा के मत डाली, अब आप ही बोल दी। हमरा के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे का कही। तू थोड़ा देर शांत ना रह सके लू का, कुछ भी बोले चालो, और हम तरह के तकलीफ में काहे डालब। अरे बच्ची तो हमार बाना और ई पालना तो हमार बच्चे खातिर आयल बा। तो तू चुप रहो। हाँ सही बात बा बहू, पालना रश्मि ना लेके आयल रहल का, बाकी हमार घर में रिवाज बाकी पालना बुआ लेके आवेली। अब ये बेचारी की तो बुआ बा नहीं खे, तो कहीं के पालना ना मिली। सोच ली जब बड़ी होखी है तो कहा सोची है कि हमार बुआ ना रहे तो हमके पालना ही ना मिलल, हम पालना में सोए ना। अब बच्ची बा तो बच्चा के हक तो मिले के चाहिए ना, कहे हम सही करल बानी ना। और सम्राट सम्राट के समझाई ओकर सवाल के जवाब के दे ही। एक खातिर मजबूरी में अपना नन्नी से पोती के खाती ना हम ही झूठ बोल देनी कि रश्मि पालना लेके आयल रहे। अगर आप बच्चा खातिर झूठ बोलने बानी तो ठीक बा, पर सम्राट जी के भी तो समझे के चाहत रहे ना, अगर वो समझ जाते तो आज इतना झूठ बोले के नौबत ही ना आवत। माँ जी झूठ चाहे कौनो भी कारण से बोलल गईल होखे, लेकिन झूठ झूठ ही कहला वेला ना। उहे तो अरे हम तो भूल ही गई नी, सम्राट जी के कपड़ा प्रेस करे खातिर भेजवावे के बा, हम अभी आवता नी माँ जी। माँ जी आपके तक कोनो जवाब ही नहीं है, कितना आसानी से आप मामला के मोड़ देनी, का करारा झूठ बोलने बानी आप, पक्की झूठी बानी आप पक्की। अरे चुप कर तू, जी भी मुंह में आए बक्की जा रहल भैया। हो अच्छा आप झूठ बोले तो सही, हम सच बोली तो चुप। हे भगवान का करी हम तो हार। अरे माँ जी अब भगवान के बीच में काहे ला रहल बानी, अभी तो आप स्वेटर के डिजाइन सीखे खातिर कहत रहली हमरा से, एक काहे न कहत बानी कि हमरा से झूठ बोले के डिजाइन भी सीख ला। अरे अब माथा काहे पीट रहल बानी। चुप हो जा तू। जी चिट्ठी पोस्टमैन देखे गलबा, पेंशन वाला होखी देख ले बाद में। अच्छा ही बतावा ये त्रिशा कितना दिन खातिर आयल भी है। शायद हफ्ता भर बाद
ओकर ट्रेनिंग शुरू हो जाई, फिर त्रिशा चल जाई अपना हॉस्टल। लेकिन कितना अच्छा लग रहा बना त्रिशा के आवे से, अनु के भी मन लग गए बा, वरना 50 फालतू काम में मन लगावत रहे लेगी। अब ओकरा के भी उर्मी के कमी कम खली, पर फिर भी कितना दिन रही त्रिशा यहाँ, कुछ दिन बाद तो चल जाई। कुछ दिन और हफ्ता भर में बहुत अंतर होखेला सरोज। हफ्ता भर में लेके करो नया तमाशा ना खड़ा कर दे, हमरा तो ये बात के डर लग रहा बा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? ठीक कहता नहीं सरोज, सम्राट जी के त्रिशा बिल्कुल पसंद नहीं थे, और शादी में जे कुछ भी भइल बा वो सब तोहरा सामने ही बना। और ओकरा बाद निर्मला और त्रिशा के पापा पदम जी के वजह से पिछले बहुत गड़बड़ हो चुकल बा। अब ऐसा परिस्थिति में यहाँ अगर रही तो लोगन के बहुत पसंद ना आए। देखा, हमार बेटी के वहाँ कोनो तकलीफ ना होके हम बस इतना चाहता नहीं। हम भी ये चाहत बानी त्रिशा के ओके कुछ बिगाड़े ना बिया, तो उनके अच्छा लागे ना लागे, त्रिशा हमरा बहन की बेटी बा, हम ओके यहाँ से भगा ना सकेले। और फिर त्रिशा तो हमरा घर में रह रहल बा ना, उनके यहाँ थोड़ी जा रहल बिया। ये सब ठीक करल बाड़ू सरोज, बिल्कुल ठीक करल बाड़ू, पर फिर भी हमरा के डर लगा था कि सम्राट जी के बुरा ना लगे। बस 4 दिन के खातिर आयल बा, ओकरा बाद खुद ही चल जाई। जितना जल्दी चल जाए ना उतना ही अच्छा बा। कहे से कि हम कतई ना चाहब कि एकरा वजह से हमार नया रिश्तेदारी में कोनो आ जावे। देखा, अगर हमरा पर एकरा वजह से कोनो तकलीफ आयल ना तो हम चुप ना बैठा, साफ साफ कह दे भैया हमार घर से दूर रहा। हाँ हेलो, अपन आप कहाँ उठे नहीं फोन, माँ कहाँ बड़ी? शायद कमरा में होगी, हम बुलावत बानी उनके। सुने रह दी, आप एक काम करिए, माँ से कहें कि हमारे बैंक के पासबुक निकाल के रखा, बंदा भेजा था नहीं पिक करे खातिर, ठीक बा? अंडरस्टैंड? माँ जी आगल बानी, और आप उनसे ही बात कर ली। सुने, हेलो, इनकर फोन बा। हेलो उर्मी, हम आप बात कर ली। उर्मी हम आपसे बात, हेलो हेलो, हाँ बोला बेटा। यार क्या प्रॉब्लम भाई, लेके के अकड़ कहाँ दिखा होती हम रखे? हम बात करता नहीं, आपके पकड़ा देता फोन। तमीज नाम की चीज देखिए करा में, समझे लगा खुद के। का हुआ बेटा, बात का भइल? भइल ना अब होखी, अगर अपन दिमाग ठिकाने पर ना लाई ना, देखे अपना तरीके से रास्ता पर लाए बतावता नहीं हम। और समझा दा एकरा के, इस सम्राट सिंह राठौर के घर बा, यहाँ रह के बात तमीज से रहे और हमारे बनाए नियम पे चले, अपन नियम बनाए के कोशिश ना करे। हमके अगर दिखाई थे तकलीफ में आ जाए। एक और बात कही ओकरा से, हाँ क्यों जे गलती कर ली भी आज, ओकरा खातिर हमसे माफी मांगे के होगी, सॉरी बोले के होगी हमसे, और आज भी ओके गलती का एहसास ना हो कि हमरा से सारी ना बोली, हमरा कमरा में एंट्री बैन बाकर इसे समझाए ओकरा के, चुपचाप सॉरी बोले हमसे। हाँ हम समझा दे बेटा, तू ना जरा शांत रह, चिंता मत कर। अकड़ तो बा बहू में, ये बात तो बा, हम थोड़ा झुक जाप, ठीक बा? अब हम समझाई, बोली हूँ सॉरी कैसे ना बोली? अरे तोहर पत्नी ब्याह कर धर्म बात, तोहर बात मानल और अपन गलती पे सॉरी बोले और बोली सॉरी। हाँ अच्छा, हम बबलू के भेजे तनी पासबुक पिकअप करे खातिर, दे दिया ओकरा के। का दे पासबुक? अरे ठीक बा बेटा, तू ना टेंशन मत ला, हम बहू से बात करब। हाँ चल फोन रखत बानी, और तू सान फोन रखती लस। अच्छा बा, उधर सम्राट गुस्सा में चित पकड़ के बैठल बा, और ये महारानी इधर अकड़ के बैठल बानी। लेकिन
ऐसे में अगर उर्मी सॉरी बोल दिलस तब तब तो मामला इतना पे खत्म हो जाए। ना 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 ना, हम ऐसन हो की ना देव, ऐसन समझाए हम अपना बहु रानी के कि उस सॉरी बोलल तो दूर, कुछ और ही उल्टा बोल जाए पीटब ढोल और फट्टी नगाड़ा। बहू जरा बैठा, हम की तरह से कुछ बात करे के बा, बैठ। अब बहू सम्राट के फोन तू हमरा के पकड़ा दिलू और कितना गुस्सा होत रहल, कहत रहे कि माँ समझा दिया हो के कि जरा तमीज से रहे प्यार से रहे, ये हमार घर बा और बाहर साइल बा पत्नी बन के तब पत्नी के तरह ही रही कह रहल बा हमसे। अरे बात करे के तब बिल्कुल ढंग ही नहीं खेपा ओकरा के, ऐसा लागत बा जैसे भगवान ओकर जुबान ना उ मिर्ची के घोल में डुबा के बनाई ले बा, जब बोली कड़वा ही बोली। हाँ बहुत ही जिद्दी बा, हमरा से कहत रहे कि अगर आज भी तू ओकरा से सॉरी ना बोलू माफी ना मंगलू तो आज भी तोरा के कमरा के बाहर ही सोवे के पड़ी। हाँ बहू इना मर्द ऐसा नहीं हो खेले, ब्याह करके बात ना जन का समझे लागेले, चाहे ले ही औरत ना हमेशा झुक के रहे चू ना करे जे कहे जितना कहे बस उतना में ही अपन जिंदगी गुजार ले, ना एकदम आगे ना एक कदम पीछे, बस उई खांचा में ढल के रहे ही चाहे ले। बहू हमार बात माना ना तो तू सॉरी बोल दा, हाँ जे भइल सो होइ लोगी भूल जा, अब का बाकी हम तो कल कोशिश भी कैले रहनी उसे कहे के भी रहली कि भाई बहू के तरफ से हम तोरा से माफी मांगत बानी और हमरा कहले से ऊ माई के गैले रहे, पर ना उ तो जीत पड़ल बा, उ तोरा मुझसे सॉरी सुनी चाहत बा। बहू इतना बात सुने से तो अच्छा बा कि एक सॉरी बोल दे, एक ही ता शब्द बा निकाला मुझसे और करा खत्म सब। हम कौनो गलती ना कर ले बानी माँ जी, तो हम सॉरी काहे बोली, हम सॉरी ना बोलब और आपके भी हमरा तरफ से सॉरी बोले के कौनो जरूरत ना बा माँ जी। बहू हम तो बस ई चाहत बानी कि तू दोनों हमेशा साथ साथ खुशी खुशी रहा, ये लड़ाई झगड़ा खींचातानी ये सब सुखी परिवार की निशानी ना बा, और अगर हमरा इतना सा कोशिश से तुहार रिश्ता मजबूत बनत बा ना तो हम तो ये कोशिश हमेशा से करत आइल बानी और हमेशा कर बस। हाँ हम आपके बात समझ गई नी माँ जी, लेकिन सम्राट जी गलत उम्मीद कर रहल बानी, जब हम कोनो गलती ही ना कैले बानी तो सॉरी कौन बात के। ये सही कर रहल बिया तू, सही बा, और जब तू कोनो गलती कैले ही ना बा तो माफी कौन बात की मांगब, इन ऐसे मनमानी करके जिद्दी हो गल बा सम्राट। अब देखा अगर ये बार तू माफी मांग लू ना तो उहे तो ये चाहे ना कि हर बार तू ही माफी मांगा, बिल्कुल माफी मांगे की जरूरत नहीं की बात और आके, बल्कि ओ से माफी मंगावा, बहुत बदमाश हो गल बाई लड़का आजकल। ना माँ जी ना हमरा के सॉरी बोले के बा और ना ही उनसे सॉरी सुने के बा। हाँ ये बात भी सही बा बहू, सही कर हलबा।
अरे त्रिशा तू तक कमाल कर दे लू, हमनी सबके तारा पे बहुत प्राउड बा। अरे जे अच्छा अच्छा लोग एग्जाम क्लियर ना कर पावे ले तू कई ले बाड़ू बाकी ना पापा। हाँ बिल्कुल होता भाई। थैंक यू भैया। अच्छा तू उर्मी के बतैलू ना कि तू यहाँ आगे बाड़ू। ना ना भैया आप ही मत बताइया। एक्चुअली ना हम प्लान के लिए बानी कि हम उर्मी दीदी के कॉल करके यहाँ बुला ले सरप्राइज देवे खातिर। बाना मस्त आइडिया बाना बुआ। हाँ ये बिल्कुल ठीक बा, ऐसा नहीं करब। कोनो जरूरत ना बैकर। हाँ बेटा उर्मी के डिस्टर्ब मत करा अभी, अभी कल ही तो आयल रहे हो, अब बार बार इतना जल्दी जल्दी आयल ठीक नहीं खे ना। तो का भल पापा ये भी तो उनकरे घर बा और स्पेशल ओकेशन बा, त्रिशा दीदी आयल बिया उधर रोज रोज नहीं खे अभी ना बनेला पापा। हाँ तो त्रिशा रही ना अभी यहाँ पर, जब आराम से आई तब मिल लिया। अब उर्मी के घर पर केहू के कहे के मौका मिल जाए कि बार बार तू मायके चल जालू ये हम ना चाहेगा। एक हाथे तनी समझदारी से सोचा। देवी सही कह रहल बा लईकी, अभी अभी उर्मी के नई नई गृहस्थी शुरू भइल बा, ओके जरा संभाले द। मायका से बार बार बुलावा आई ससुराल वालन के ई अच्छा ना लागेला। वैसे तो कितना दिन रहबू त्रिशा? सच्ची जब से तू घर में आयल बाड़ू ना तब से हलचल आ गईल बा। वैसे भी हमार दो दो ननद रहली, एक चल गई तका भइल एक और फिर से आ गईल बाना। वैसे भी हमार किस्मत में लिखल बा दो दो ननद के सुख बराबर के बनल रही। अब एक हफ्ता में हम हॉस्पिटल चल जाए भाभी, ट्रेनिंग शुरू हो रहल बा। ट्रेनिंग के वक्त हमरा के वहीं रह के होगी। ओहो चला कोनो बात ना, वहां से भी आवत रहबू ना। अरे हाँ हाँ काहे ना आई, तू एही तरह खातिरदारी करत रहबू तो जरूर आई बाना त्रिशा। हाँ हाँ काहे नहीं के बुआ जी, वैसे भी खातिरदारी करल तो हमार फर्ज बा बाना। पापा एक दिन के खातिर तो बुला ही सकी लेना उर्मी दीदी के। अभी रहे देना बेटा, वैसे भी पापा के सालगिरह पे तो आई ना उर्मी, त्रिशा तब मिली उसे। अब जी मौसी हम उसे फोन पे बात कर ले और वैसे भी जब आई तब मिल ले, कोनो प्रॉब्लम ना बा। हेलो कहाँ जाता नहीं आप? अपना जगह पे जहां आप कल हमरा के भेजले रहनी।
अच्छा तो कुछ कहे के ना बा आपके हमसे? ना। जरा देखे तो सही का हो रहा बा दोनों के बीच में। अरे बहू देखी फिर से भेज दिले तोरा की यहाँ। हे राम 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 ई लड़का भी ना ई खातिर बुजुर्ग कहले की कल चुप बा बतावा जेकर गलती बा वो आराम से सो रहल बा और जे सही बा ओके तपस्या करे के पड़ रहल बा तकलीफ झेले के पड़ रहल बा ई भी कोनो बात भइल भला? कोनो बात ना माजी हम यहाँ ठीक कोनो बात नहीं के बहू अच्छा कर रहल बा जे तू विरोध कर रहल बिया हाँ अरे ओके भी तो पता चले के चाहिए ना कि अपन मनमानी ना चली तोरा साथ हाँ और एक बात बताई बहू ई सारा अमर एक जैसन हो खेले बस अपना बारे में ही सोचे ले अरे इनकर गुस्सा गुस्सा बा और हम जरा सा कुछ कर दी तो विरोध बन जाला ये भी कोनो बात भेल भला और तू देखिया वो अपना आप ही आई तोहरा पास हाँ अब चल बहू तू ना दिन भर से थक गई होगबू थोड़ा आराम कर ला जा तोहरा के कोनो चीज के जरूरत होगी ना कोनो भी तकलीफ होगी तो हमरा से कहियो माँ जी अब आप भी अंदर जाके आराम कर ली हम यहाँ आराम से सो जाए कौनो तकलीफ ना बा हमरा के आप हमरा बारे में सोच के परेशान मत होगी कितना अच्छा बिया तू सुन ना बुरा लागेला हमके तोहरा खातिर का करी जा बहुत सही अब ऐसे ही ठीक रहे कि आदत डालना बहू काहे कि सम्राट तो कभी जिंदगी में तोरा पास आवे वाला बा नहीं खे उ तो सो गल बा चद्दर तान के अब तू भोगा यहां इतना हिम्मत हो गल बा लेकी के हमके छोड़ के गेल बिया हमके जवाब दी हमरा के हाँ सम्राट सिंह राठौर के जवाब दी लेकी